हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। हम बैठे हैं सनहुली के इमली चौक पे। यहाँ इमली का पेड़ नहीं है, लेकिन इमली का नाम ही काफ़ी है अपना असर दिखाने में। इमली को देखें तो मुंह में पानी, इमली को सुने तो मुंह में पानी, इमली को सोचे तो मुंह में पानी, इमली को देखे तो मुंह में पानी। यहाँ इमली नहीं है, नाम इमली है और वो अपना असर दिखाता है इस गाँव के लोगों में। असर सिर्फ बोलने भर से जाहिर हो जाता है। और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं चर्चा करने, बिहार असेंबली इलेक्शन करीब है और लोगों के अंदर ये रुझान दिखने लगा है, लोग साइड लेने लगे हैं, लोग पक्ष बनाने लगे हैं, लोग सोचने लगे हैं कि इस बार किसे वोट देना है। और ये सारा जो चर्चा होता है चाय की दुकान पे। यहाँ पे एक चाय की दुकान है और ठीक उसके सामने हम बैठे हुए हैं और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार बिहार असेंबली इलेक्शन का ऊँट किस करवट बैठेगा। नौशाद भाई, किस करवट बैठेगा, गठबंधन के साथ या एनडीए के साथ? गठबंधन के साथ। गठबंधन की तरफ ऊंट बैठने वाला है, ये सनौली के इमली चौक पे लोगों का अंदाजा है, एक चाय की दुकान पे। और बिहार की राजनीति चाय और पान की दुकान से शुरू होती है। हम यहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या होने वाला है बिहार असेंबली इलेक्शन में, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। दिलचस्प तक वैसे तेजस्वी यादव का लग रहा है, अब आगे देखिए क्या होता है। तेजस्वी यादव का चांस लग रहा है, दो लोगों से पूछा, बहुमत तेजस्वी की तरफ जा रहा है। अब हम तीसरे शख्स की तरफ जाएंगे और पूछेंगे कि क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी या नीतीश। मेरा भी वही इरादा है जो बाकी सब लोगों का है, वैसा ही मेरा भी है, लग रहा है तेजस्वी का ही, मतलब यानी उम्मीद है जीतने का। यहाँ पूरी बहुमत तेजस्वी के साथ जा रही है, यानी कि नीतीश जी आपके तो इस बार बुरे हाल होने वाले हैं और तेजस्वी यादव के वारे न्यारे होने वाले हैं। चाय की दुकान पे बिहार की राजनीति अपना असर दिखाती है, चाय की दुकान से बिहार की राजनीति में बदलाव आता है, चाय की दुकान से बिहार की राजनीति चमकती है, लोग अपने इरादे बदलते हैं। हम इसे वोट देने वाले थे और उसे दे रहे हैं क्योंकि चाय की दुकान पे चर्चा हुई है। आज इमली चौक पे जो असर देख रहे हैं वोटरों के अंदर, वो असर ये दिखा रहा है कि लोगों का कहीं ना कहीं इरादा तेजस्वी की तरफ जा रहा है, महागठबंधन की तरफ जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल आज हम इनसे फिर पूछने वाले हैं कि बिहार असेंबली इलेक्शन में जो नेशनल लेवल की पार्टी है, यानी कि जो बाहर की पार्टी है, वो भी आ रही है और वो कितना वोट उतर सकती है महागठबंधन का, MIM खास करके महागठबंधन का वोट कुतरेगी, ये लोगों का अंदाजा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि महागठबंधन को कितना कुतर देगा MIM? बेनीपट्टी विधानसभा में MIM का भी कोई प्रभाव नहीं है फिलहाल में है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसानदेह पहुँचाएगा। लेकिन पप्पू यादव साथ में आ जाते गठबंधन के, तो उसका पूरा फायदा तेजस्वी यादव को होगा। कहने का मतलब यह है कि बिहार विधानसभा में क्या होगा, पूरे बिहार में क्या होगा, उसका यहाँ अंदाजा नहीं है अभी, लेकिन बेनीपट्टी 32 विधानसभा में MIM का कोई इतना वर्चस्व नहीं है। MIM यहाँ से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी गठबंधन को। दूसरे हमारे साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, MIM कितना वोट काट सकती है महागठबंधन का? महागठबंधन का ज्यादा वोट नहीं काट सकता है, हल्का फुल्का असर पड़ेगा, हल्का फुल्का, ज्यादा ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कह रहे हैं पहली बार आया है वो, क्या वो लोग जानता भी नहीं है, ऐसे भी जो इसे नजरअंदाज कर देगा। कह रहे हैं कि नजरअंदाज किया जाएगा 32 बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से MIM, लेकिन अगर थोड़ा भी वोट लाता है तो वो महागठबंधन का ही लेकर के आवेगा, यानी कि महागठबंधन के अंदर सेंध लग चुकी है। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में उतना प्रभावशाली नहीं है MIM, लेकिन कहीं ना कहीं MIM को नुकसान पहुंचा, MIM महागठबंधन को यानी कि RJD को नुकसान पहुंचा सकता है। जानते हैं हमारे तीसरे साथी, उनका क्या
नजरिया है, MIM कितना नुकसान पहुंचाएगा महागठबंधन को? नहीं, फिलहाल मुझे इसका अंदाजा अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्शन में कभी यहाँ था भी नहीं, और इस वजह से मुझे उतना जजमेंट नहीं है इस बारे में। बाकी लोग हैं, इन लोगों से पूछे, इन लोगों को मालूम होगा। खैर, इनका कहना है कि इनके पास जजमेंट नहीं है। मैं आपको ये कह दूं कि MIM का आना महागठबंधन के लिए कड़ी दस्तक है, उसे पूरी तरह से कमर कसना होगा और उसे ये देखना होगा कि उसके हिस्से के वोट में सेंध ना मार दे MIM। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।